गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 SSC सब्जेक्ट में हम अपनी ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे थे, भूगोल की, और अपना तीसरा अध्याय चल रहा था जिसके अंदर हम खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में जानकारी ले रहे थे। और हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में कल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कोयला और पेट्रोलियम इन दो चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। आपको बताया था कि कोयला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है हमारे लिए, जो कि पृथ्वी की परतों में से, शैलों में से पाया जाता है, और यही लोहा इस्पात उद्योग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रूप से काम में लिया जाता है। साथ ही साथ ईंधन के रूप में भी हम इसको खाना पकाने वगैरह में भी काम लेते हैं। साथ ही साथ हमने पेट्रोलियम पदार्थों की बात की थी, जिसे हमने काला सोना, क्योंकि एक महंगा लिक्विड तरल पदार्थ है गाढ़ा, जिसको कि हम रिफाइनरीज के अंदर रिफाइंड करके बहुत सारे सब प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोलियम है, मोम है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। खाड़ी प्रदेशों में इराक, ईरान, जो हमारा सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर ये बहुतायत में पाया जाता है। और भारत में भी पेट्रोलियम पदार्थों की प्रबल संभावनाएं देखी गई है, जिसमें हम राजस्थान में रहते हैं। आपको बताऊंगी कि बहुत राजस्थान में भी अपार संभावनाएं देखी गई है, और केन्स इंडिया द्वारा एक रिफाइनरी भी यहाँ लगाई जा रही है। ये हमने पढ़ा था कल, अपने कोयला और पेट्रोलियम शक्ति संसाधन हैं उनके बारे में। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक गैसों के बारे में। प्राकृतिक गैस जो हैं, ये भी पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है, और इन्हें भी क्या किया जाता है, पृथ्वी में से जब निकाला जाता है पेट्रोलियम पदार्थ, तो धरातल पर लाया जाता है, और इनका प्रयोग जो है, आप देखेंगे मैंने लिखा है, इनका उपयोग हम घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में करते हैं। जितने भी पेट्रोलियम गैसेस पाई जाती हैं, इनका प्रयोग हम घरेलू, जैसे कि हम अपने आप जानते हैं सब गैस पर ही खाना बनाते हैं, और साथ में जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज होती है जो वाणिज्यिक कार्य करती है हमारे लिए, उनके अंदर ईंधन के रूप में बहुतायत में प्रयोग लिया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो गैस है ये हर स्थान पर नहीं पाई जाती। मैंने जैसा कि बताया, इसके सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश जो हैं वो हमारे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो रसिया यानी रूस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि अब ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, इसको इंग्लैंड भी हम बोला करते थे, नीदरलैंड, ये हमारे महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं जहाँ पेट्रोलियम गैस पाई जाती है। साथ ही साथ अगर भारत की बात करते हैं, तो भारत में राजस्थान में हमारा जैसलमेर इलाका जो है, प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पाए गए हैं। साथ ही हमने कल भी तेल के बारे में भी पढ़ा था, पेट्रोलियम के बारे में भी, कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा हैं इनके अंदर भी ये पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पेट्रोलियम जहाँ निकलेगा वहाँ प्राकृतिक गैसों के निकलने की संभावना भी होगी, क्योंकि ये इनके मध्य ही पाया जाता है। साथ ही साथ त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके अलावा प्राकृतिक गैसों के बारे में एक और चीज़ बताते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा CNG यानी संप्रेरित प्राकृतिक गैस। ये एक ऐसी गैस है जो डीजल, पेट्रोल और जो हमारे फ्यूल हैं उनकी अपेक्षा बहुत कम पॉल्यूशन फैलाती है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है जब इसको यूज़ किया जाता है तो बहुत कम होती है, इसी कारण आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ऑटोज़ होते हैं, आपने देखा होगा येलो और ग्रीन कलर के ऑटोज़ होते हैं, वो सब CNG गैस से ही चलते हैं। तो ये जो CNG गैस है, ये क्या है, एक प्राकृतिक पर्यावरण हितेशी यानी पर्यावरण को कम प्रदूषित करने वाली गैस है। ऑटोमोबाइल ईंधन है, यानी जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, जिनमें मशीनें होती हैं इस तरह की, उनको चालित करने के लिए बनाई गई ईंधन है, जो कि हमारे देश में हम जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ अगर देख रहे हैं तो हमारे जितने भी ऑटो रिक्शाज वगैरह होते हैं वो इसी गैस से चलते हैं, जो कंपैरेटिवली पॉल्यूशन कम फैलाती है। तो आपको CNG का मतलब पूरा आना चाहिए, CNG का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो कि ऑटोमोबाइल ईंधन है, जिससे कि पॉल्यूशन क्या होता है, कम फैलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक आपको प्राकृतिक गैस। अब हमारा नेक्स्ट एक और जो टॉपिक है इसी के अंदर, वो है जल विद्युत, यानी जल से विद्युत का निर्माण करना, और जल से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसको जल विद्युत कहते हैं। कैसे की जाती है मैं बताऊँ आपको, मैं बताती हूँ कि जो वर्षा का जल होता है,
या नदियों का जल होता है। आपने देखा कि डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, इनको संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बारिश के पानी को इकट्ठा क्यों किया जाता है? सिंचाई के अन्य कार्यों के प्रयोग लेने के लिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो होता है आजकल, जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, बांध बनाए जाते हैं, उसके बनाने का है कि संग्रहित जल को क्या करते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। किस पे गिराया जाता है? नीचे टर्बाइंस लगाए जाते हैं, जहाँ पर जल विद्युत बनाने के प्लांट लगाए जाते हैं वहाँ टर्बाइंस लगाए जाते हैं। इन टर्बाइन पे इनको गिराया जाता है, और जब टर्बाइन का फैन जब घूमता है तो जो उसके ब्लेड हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को उत्पन्न करते हैं। और ये जो विद्युत उत्पन्न होती, इसे ही हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। तो जल विद्युत कैसे उत्पन्न हो रहा है बेटा? जल से होता है। कैसे होता है? जो संग्रहित जल होता है उसको प्रेशर से ऊपर से पाइपों के माध्यम से, जो हमारे प्लांट लगे होते हैं, टर्बाइंस लगे हुए होते हैं, उन टर्बाइंस के ऊपर गिराया जाता है। और टर्बाइंस जब जोर जोर से घूमता है तो उसकी ब्लेड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, यानी कि विद्युत उत्पन्न करती है। ये विद्युत जो है उसे ही हम जल विद्युत कहते हैं। और अगर हम देखें तो आज इस जल से मतलब जितनी भी हमारी ऊर्जा है उसका 1/4 मतलब 25% हिस्सा है, ये जो ऊर्जा का है वो हम इस जल विद्युत से ही प्राप्त करते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पानी, आपने ना पानी का ग्रह है ना पृथ्वी, तो चारों तरफ पानी पानी तो है। नीला ग्रह बोलते हैं ना पृथ्वी को, नीला ग्रह बोला गया है, जल ग्रह बोला गया है, क्योंकि इसके चारों तरफ जल ही जल है। तो इस जल को क्यों ना हम अपने उपभोग के लिए, जो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भगवान ने हमें दिया है, तो इससे क्यों ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, क्योंकि बिजली तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमने जल से विद्युत बना लिया तो आप देखिए कि शक्ति के संसाधन के लिए हमारे कितनी इंपॉर्टेंट। आज भी हम जो पेमेंट करते हैं बिजली के बिलों का, हमारे लिए बहुत महंगा है, लेकिन सोचिए अगर ये होगा ही नहीं तो पहली बात तो हमारी सुविधा का कारण हो जाएगी, बिना बिजली के हम नहीं रह पाते। दूसरा ये और महंगी हो जाएगी, तो अच्छी सी प्रोडक्शन होगा तो हमें आसानी से जीवन की सुलभता के अंदर हमें प्राप्त हो सकेगा। बच्चे अब जो हम जो जल है जिससे विद्युत बना लेते हैं, वो पानी जो बचा हुआ है वो बह जाता है, बह कर क्या हो, वेस्ट नहीं होता वो पानी, कि आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली तो वो जल वेस्ट हो गया, जल वेस्ट नहीं हो रहा, वो जल जो होता है बहता हुआ क्या करते हैं, कृषि कार्यों में, सिंचाई कार्यों के अंदर उपयोग में लिया जाता है, जिससे हमारे एक पंथ दो का, एक तरफ तो विद्युत बन जाती है, दूसरी तरफ हमारे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता है, यानी पानी का डबल यूज़ होता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट संसाधन के रूप में ये है। ठीक है, अब आता है इसके उत्पादक देश कौन से हैं। इसके लिए मैंने एक चीज़ बताई है, एक यहाँ पर बॉक्स बनाया है बच्चों, इसमें आपको मैंने बताया कि नॉर्वे वर्ल्ड में एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे विश्व का सबसे पहला देश है जिसने जल विद्युत उत्पन्न किए थी। याद रखें, आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं, आपके आजकल बहुविकल्पी क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहले जल विद्युत किस देश ने बनाई, तो आप लिखेंगे नाम नॉर्वे, जो देश है उसे सबसे पहले हमारा जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश। अब आता है और कौन कौन देश है, तो नॉर्वे के अलावा पराग्वे, ब्राज़ील और चाइना, यहाँ पर जल विद्युत बनाने के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और बहुत सारा जल विद्युत बनाया जाता है। अगर भारत की बात करें, भारत में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जल विद्युत प्रोड्यूस की जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, बांध भाखड़ा नांगल बांध के बारे में सुना होगा आपने, गांधी सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आपने पढ़ा है और सुना है। ये सभी जो बांध हैं, ये डैम हैं, ये क्यों इतने प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से सिंचाई के लिए जल तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर जल से विद्युत बनाई जाती है। तो ये हमारे भारत के अंदर प्रमुख है, भाखड़ा नांगल है, नागार्जुन है, उसके अलावा दामोदर घाटी योजना है और गांधी सागर, यहाँ पर जल विद्युत बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये आपके लिए सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारा देश है, हमारे जीवाश्म ईंधन है, उसका उपयोग जनसंख्या वृद्धि के साथ बहुत तीव्रता से हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। यानी अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन, ये बहुत सीमित मात्रा में रह गई, क्योंकि इनका उपभोग की दर इसके बनने की दर से बहुत कम है। ईंधन के जलने से निकलने वाले जो पॉल्यूशन, जो फैला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ और गैसेज निकलती हैं, ये भी एक चिंता का विषय बन रही है, जो हमारे पर्यावरण असंतुलन को पैदा कर रही है, क्योंकि गैसें हमारे प्रकृति में, पर्यावरण में मिलकर हमारे लिए एटमॉस्फेयर को भी ख़राब कर रही है, प्रदूषण भी हो रहा है। जीवाश्म ईंधन अनियंत्रित जलना, जैसे अनियंत्रित टूटी से टपकने के समान है, और अंततः क्या होता है, पानी ख़त्म हो जाता है,
हम लोग उसका यूज़ करें, इतने बेतहाशा यूज़ करें कि एक समय क्या होगा कि हम इसके विहीन हो जाएंगे, हमारे पास ये रहेगा ही नहीं। इसीलिए हमें जितने भी हमारे ऊर्जा के संसाधन हैं, अगर परंपरागत गैर परंपरागत है, उनका दोहन करने की ओर बढ़ना चाहिए। इन संसाधनों के ऊपर आश्रित रहेंगे तो ये तो प्रकृति देती है हमें, पर हमें इनका यूज़ करते करते हम इसको रिक्तता की ओर हम चले गए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा बच्चों, अब हमें हमारे गैर परंपरागत स्रोत रहें जो कि मैन मेड होते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं अपने उपयोग के लिए, उन ईंधनों के बारे में आपको सोचना होगा, उन विकल्पों को तैयार करना होगा। जैसे कि आप देखते हैं सोलर ऊर्जा है हमारी, पवन ऊर्जा है, देखिए हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, सूर्य कभी हट नहीं जाएगा, सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इन गैर परंपरागत स्रोतों को और हमें आकर्षित होना है, इनका दोहन करते हुए हमें ऊर्जा के संसाधन के रूप में विकसित करना है। तो बच्चों आज आप ये दोनों के बारे में लिखें, 100 क्वेश्चन बनाएं छोटे छोटे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।